डाल देती हूँ ये। अब चल रही है उसे गेस्ट स्टफिंग की तैयारी। किस किस को डोसा पसंद है? हमको तो बहुत पसंद है। मुझे ये स्पेशली आलू की जो स्टफिंग होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। जब ट्रेवल में जाते हैं तो ये पराठे या पूड़ी के साथ लेके जाते हैं, इसको बहुत अच्छी लगती है ना। पर जल्दी खराब भी हो जाती है, एक टाइम नहीं चल पाती। इसमें भी सीटी आने वाली है, ये भी तैयार हो गई। देखो कितनी यम्मी यम्मी लग रही है। तो अभी ये सांभर का तड़का तैयार हो चुका है और ब्लॉग चल रहा था उसी में से मैंने आधा कल डाल दिया था, आधा अब डाल दिया। मैं वो रिप्लाई करने लग गई थी ना, उस बात का भी थोड़ा सा कच्चा है। गाइस ब्लॉग बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना दी और इजी है। सोचना पड़ता है क्या बनाना है क्या नहीं, फिर इसको कैसे एडिट करना है, बहुत डिफिकल्ट होता है सभी के लिए, हमारे लिए नहीं। कंटेंट सोचना, फिर इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है। हो गया आप तो? हाँ हो गया। तो ये हो गया है डोसा तैयार। चलो ये कुछ पार्सल रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्यों मंगाया था, किस लिए मंगाया है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो पे जरूर आना और देखना कि ये क्या है, इसमें कुछ स्पेशल है इसमें, ठीक है। तो जैसा कि कल भाई दूज थी, तो आप सभी के लिए भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे सभी भाई जितने भी हैं उन सभी के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली है जितने भी लोग हैं सभी मेरे भाइयों के लिए, हम दोनों की तरफ से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमारा भाई दूज कैसा रहा वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे भाई बहन का है ये दिन भाई दूज, तो उस पर ऑब्वियस है भाई की याद तो आएगी, सभी को आती है, भाई की कमी महसूस होती है। तो मेरे अब जैसे भाई दूज था तो देखो मुझे भी कमी महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि मुझे कमी महसूस नहीं होती है। चाहे कुछ भी जैसे रक्षाबंधन होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो भाई दूज वगैरह आती है, तो भाई की कमी महसूस होती है, सभी को ही होती है, मुझे क्या। तो पर अब आपको पता है कि सब मेरा तो कोई कॉन्टेक्ट है नहीं है किसी से भी, तो मेरा तो कोई ऐसे मैं किसी से मिल नहीं सकती हूँ। और देखो रही भाई को बात, रही भाई को याद करने की बात, तो देखो उसके लिए एक भाई दूज की ही जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही याद आती है, अपने भाई बहन जो भी होते हैं सभी की याद आती है। बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना जैसे रक्षाबंधन थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि आपके भी आपको याद नहीं आती कि आपके घर की आपके भाई की, तो देखो हर किसी को याद आती है, मुझे भी सभी की याद आती है, बट नहीं हो पाता है। और रही बात अब इधर ससुराल की, तो ससुराल में आपको पता है कि ज़्यादा कोई मेंबर्स है नहीं है मेरे, इधर छोटी फैमिली है, तो अब इसमें भी भाई वगैरह, अब जैसे उनके भी एक ही भाई हैं तो उनका भी हमने आपको बता रखा है जो भी है, मैं बार बार रिपीट तो करती नहीं हूँ, आप सबको पता ही है कि उनके भाई और उनका क्या सीन है पूरा, तो इसलिए उनका भी हम ऐसा नहीं है कि मिल सकते हैं या कभी मतलब भाई दूज जैसे मिलकर मनाए, क्योंकि उनसे जो भी है सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। और क्या करा कि हमारे ये पास में है,
हमारी सोसाइटी में आसपास लोग रहते हैं, तो इनके इनसे बातचीत कर ली थी। इनके यहाँ पर गए थे, वो भी आ गए थे थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए। तो क्या हो गया था कि ऐसे भाई दूज हमारा ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ था, जैसे दिवाली भी थी। तो अब जैसे आसपास के लोग होते हैं, मिलने आ जाते हैं, तो वो तब आ गए थे। और फिर अभी भाई दूज थी, तो ये सामने भैया हैं वो आ गए थे, और आसपास रहते हैं वो। हम भी उनके यहाँ थोड़ी देर के लिए चले गए थे, पीछे आंटी रहती है तो उन्होंने भी बुलाया था। तो इस तरह से हमारे दिन रहा था। बट अब ये चीजें हर वक्त किसी के यहाँ जाकर सूट नहीं की जा सकती ना। थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए थे हम, ऐसा नहीं है कि ज्यादा देर के लिए गए थे। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए गए थे, तो उसी में हमने मिलकर आ गए थे, बस 10 10 15 15 मिनट बैठकर। और हम लोग सबके यहाँ आ गए थे आसपास। अब जैसा पता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे ज्यादा ऐसे बहुत सारे घर भी नहीं है, अभी न्यू सोसाइटी है तो लिमिटेड हाउस हैं। तो उन्हीं से ही, जिनसे जान पहचान है, जो आसपास के हैं, वहाँ बोल चाल है हमारा, तो वहाँ हम चले जाते हैं। और इसी तरह से रहा। बट एक रहता है ना कि दिल में, जो अपने भाई होते हैं उनकी बात थोड़ी अलग होती है। तो अब दिल से तो हमेशा यही दुआ निकलती है, मेरे जितने भी भाई हैं जो भी, हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें। और बाकी सब, आप सब तो हैं ही YouTube फैमिली, मेरी फैमिली। तो मैंने सोचा क्या हुआ, अपनी YouTube फैमिली है ये सभी, तो भाई बहन हैं हमारे, तो क्यों ना मैं आप सभी को विश कर दूं। तो हम दोनों की तरफ से आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। और सच बता रही हूँ, जब से YouTube पर आए ना, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। YouTube पर आकर ना, सारे जो भी फेस्टिवल होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो आप सभी को विश करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सभी आकर बोलते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे YouTube पर मेरे भाई, जो मुझे दीदी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि आप हमारी बहन हो, आप हम आपके भाई हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझा करो। इस तरह की बातें भी बहुत लोग बोल देते हैं, तो यही काफी होता है। देखो, अपने से ज्यादा जो पराए होते हैं वो इतनी बात कर देते हैं ना, वो इतनी बात भी कहने के लिए वो हिम्मत होना चाहिए। तो इतने सारे लोग ऐसी बात बोलते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझा करो, जैसे मुझे बोलते हैं कि आप अपने आप को अकेला मत समझा करो, हम आपके भाई बहन, कुछ भी बात हुआ करे तो आप यहाँ आकर बता सकते हैं में। तो ये भी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई है जिसको कोई प्रॉब्लम हो, मुझे कभी भी कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो, तो मैं यहाँ आकर आप सभी को बता सकती हूँ। तो YouTube पर आने का डिसीजन मेरा बहुत अच्छा रहा सच में। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारी दिल की बातें जो होती हैं मैं कर देती हूँ यहाँ आप सभी के पास आकर। तो आप सब मेरे भाई बहन ही है, मेरी फैमिली है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो मुझे बेटी बोलते हैं, भाई बोलते, कुछ मुझे उनको भाई बोलते हैं, मुझे बहन बोलते हैं, बेटी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि चलो कोई बात नहीं, अपने नहीं बात कर रहे तो क्या हुआ, पर आप लोग तो हैं, तो आप लोग सारी कमी पूरी कर देते हैं। और पता है, कभी भी मेरा ऐसे दिल करता है, कभी मन नहीं लगता है, या कभी ऐसे बुरा फील सा होता है, तो मैं लाइव वीडियो भी कर लेती हूँ ताकि आप सबसे बात कर लो। क्योंकि पता है, मैं दिल से आप सभी को अपना मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे वीडियो के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि फैमिली है, दिल से मैं आप सभी को अपना मानती हूँ, इसीलिए सारी बातें आप सबके साथ हम शेयर कर देते हैं। और आप सब लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई दूज, अब तक तो हो गई होगी सभी की, तो आप सब भी कमेंट में बताना, और हमें भी विश करना आप कमेंट में आकर, अच्छा लगेगा मुझे भी। और आप बस यही, मैं तो दुआ करती हूँ कि आप सब जितने भी लोग हैं, जितने भी हमें देखते हैं, सब लोग हमेशा खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और बस आप सबकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, बहुत सक्सेस मिले सभी को, जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर एक बार भी आए हैं, उन सभी के लिए मेरे दिल में, मेरे दिल से सबके लिए दुआ ही निकलती है कि आप सब हमेशा खुश रहिए, और हमें भी दुआओं में याद रखिए। और बस अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय एंड हैप्पी भाई दूस, बाय।